नहीं देखिए, हमको तो उसमें बुलाया नहीं गया है, इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि नंबर वन बात यह है कि हम सच्चाई को बयान कर देंगे। दूसरी बात यह है कि उस मीटिंग में शिवसेना है, शिवसेना सेकुलर हो गई है क्या? उस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने तो आर्टिकल 370 के निकालने को, जो मेरी नजर में कॉन्स्टिट्यूट बीजेपी को, उस मीटिंग में नीतीश कुमार है जो एनडीए बीजेपी से मिलकर पहले मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने, फिर गठबंधन बनाया, उसके बाद फिर कूद गए बीजेपी में। जब गोधरा का वाकया हुआ तो नीतीश कुमार तो रेल मंत्री थे ना, जब गुजरात में जेनोसाइड और प्रोग्राम हो रहा था, जब नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ थे। आप अगर ये एजेंडा आपका है कि हम सिर्फ मोदी को हराएंगे या बीजेपी को हराएंगे, तो फिर आपका एजेंडा क्या है बताइए। चलिए, कांग्रेस पार्टी ने तो यूएपीए का जब अमेंडमेंट अमित शाह लाए थे 2019 में, उन्हें सपोर्ट किया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि दीज पॉलिटिकल लीडर्स हैव एरोगेटेड देमसेल्फ दिस राइट टू हू टू कॉल सेकुलर एंड हू टू कॉल कम्युनल, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? एनसीपी में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस सुबह सुबह मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बन गए, क्या आपका क्या है उसमें बताइए? कौन सा एजेंडा है आपका, क्या करेंगे आप बताइए? आपके बिहार में नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट में एक 100 साल मदरसे को जला दिया गया, आप वहां पर नहीं जाते, देश के पूरे लोगों को बुलाते हैं वहां पर, अपोजिशन लीडर्स को। आप इस अपोजिशन मीटिंग को कैसे देखते हैं सर? 16 अपोजिशन पार्टीज इस मीटिंग में शामिल हुए, करीब करीब 130-135 लोकसभा सीट का ये पार्टियां नेतृत्व करती हैं या इनके सांसद ये कंटेस्ट करते हैं, इनके सांसद होते हैं, कैसे देखते हैं इस मीटिंग को? 2024 के लिए कितना इम्पोर्टेंट? नहीं नहीं सुनिए, हम भी नहीं चाहते कि 2024 में दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, हम भी नहीं चाहते, हमारी भी कोशिश होगी। मगर आप इन लोगों के ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस बोलती कि नहीं हम सबसे आगे रहेंगे, नीतीश कुमार ख्वाब देख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, दूसरे लोग सब अपने अपने ख्वाबों को देख रहे हैं, हम लोग अपने अपने बात कर रहे हैं। आप ये आपने तो किया ना, आप महागठ आप मुख्य आप जब गोधरा के वक्त आप रेलवे मंत्री थे, गुजरात जलता रहा, आप बीजेपी के साथ थे, फिर आपने आप मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार साहब, फिर महागठबंधन बनाया, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर आप चले गए, फिर आप वापिस आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो 370 में बीजेपी को ओपन सपोर्ट करे, आज रो रहे हैं पूरे देश में कि बीजेपी ने ऑर्डिनेंस जारी करके मेरे हथियार आप मेरे अख्तियार छीन लिए। आप तो 370 का सपोर्ट कर रहे थे, आप बात करते हैं कम्युनल सेकुलरिज्म की और वहां पर शिवसेना के साथ आप अलायंस करके मुख्यमंत्री बनाते हैं उनको, उद्धव ठाकरे को, और शिवसेना वहां पर है। ममता बनर्जी है जो कहती है कि मेरा गोत्रा सबसे बड़ा है, आप कम्युनिज्म से मुकाबला करेंगे इस तरह से? आप नहीं बुलाए सर? नहीं नहीं, हमको इसलिए नहीं बुलाए क्योंकि हम सच्चाई को बयान करते हैं, और वहां पर ये जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता वहां पर हैं, ये तीन चीजों को नहीं चाहते कि इंक्लूडिंग बीजेपी, कि मुस्लिम दलित और आदिवासियों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, चाहे ये लोग हो या बीजेपी, कभी नहीं चाहेंगे लोग कि मुसलमान दलित और आदिवासियों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। सर उनका विजन कैसा देखते हैं? मगर ये जो अपोजिशन पार्टी से, आप भी अपोजिशन पार्टी है, आप चीफ है, तो मतलब आप कैसा देखते हैं, विजन कैसा देखते हैं? क्या क्या विजन है बोलिए आप, मेरे को नहीं मालूम। सिंपल देखे हैं, बीजेपी से लड़ना है, उनको हराना है, इसीलिए तो ऐसा हो जाए। ये विजन है, ये विजन है आपका, ये विजन है आपका, आप ये विजन को लेकर जाएंगे देश के सामने? जा चले जाइए, मालूम होता आप लेकर जाइए, अगर आप जो कह रहे हैं उनका वो विजन है, इसको विजन बोलेंगे आप? सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।